दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बीच मैदान में घुसना फैन को पड़ा भारी, पहले स्टेडियम में ही हुई जमकर पिटाई, उसके बाद लगा भारी भरकम फाइन। तो रोहित शर्मा ने दिखाई उस सच्चे बच्चे के लिए दरिया दिली, जी हाँ, और उसका लाखों रुपए का फाइन भरने के साथ साथ उन्होंने उनके लिए जो किया, रोहित शर्मा की उस महानता को देखकर आप भी उन्हें दिल से सलाम करने को मजबूर हो जाएंगे। तो आखिरकार कितने रुपए का फाइन लगा उस पर और कैसे रोहित ने महानता दिखाते हुए उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान कौन है? इस बात का जवाब नीचे में कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली में बॉर्डर गावस्कर सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच का रोमांच अपने चरम पर चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से तबाही मचाते हुए ऑस्ट्रेलिया को महज 263 रनों पर समेट दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के दौरान मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आपको बता दें कि दिल्ली में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच हो तो क्रिकेट फैंस का जोश देखते ही बनता है, लेकिन कहा जाता है ना कि ज्यादा जोश कभी कभी खुद पर ही भारी पड़ जाता है, और अरुण जेटली स्टेडियम में भी ऐसा ही हुआ जब एक क्रिकेट फैन स्टेडियम में घुस गया। जी हाँ दोस्तों, फैन बीच मैदान में घुसने ही वाला था कि सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और पीटते पीटते घसीटते हुए फील्ड से बाहर ले गए, और इस घटना को देखकर पूरा स्टेडियम हैरान हो गया। वहीं पर विराट कोहली की भी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन स्टेडियम में घुसना उसे इतना भारी पड़ेगा ये शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके पहले ही स्टेडियम में पिटाई हो गई और फिर उस पर लाखों रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया गया, जिससे उसकी जिंदगी में भूचाल आ गया था। लेकिन अब रोहित ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद पूरी दुनिया कप्तान को सलाम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, विश्वसनीय सूत्रों और वायरल खबरों के मुताबिक कप्तान रोहित शर्मा ने उस बच्चे का लाखों रुपए का फाइन भरने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। उन्होंने बताया कि उस पर जितने भी रुपए का फाइन लगा है वो उसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसे कोई भी तकलीफ ना दी जाए। ऐसे फैंस की वजह से ही क्रिकेट भारत की शान है और उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, रोहित शर्मा ने जो दरियादिली दिखाई है उसके बाद तो उनके लिए लोगों के दिल में इज्जत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि दूसरे टेस्ट मैच में कौन होगा टीम इंडिया की जीत का हीरो? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।